हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देने में टाइम तो लगता ही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कि मैं हर जो बच्चे को ट्रेनिंग देने की जब बात करती हूँ तो हर वीडियो में पहले मैं आपको यही बताती हूँ कि बच्चों को कोई भी ट्रेनिंग देने मैक्सिमम 15 डेज का टाइम तो लगता ही है। ये आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको 3 डेज आप बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देंगे और बच्चा परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैक्सिमम आपको 15 डेज तो लगते हैं, इवन कभी कभी बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देने 1 मंथ का भी टाइम लग जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों को किस एज से पॉटी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा 6-7 मंथ का बैठने लग जाता है तो उसको पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। पॉटी सीट जो आती है उस पर बच्चों को बिठा देते हैं और उन्हें लगता है पेरेंट्स को कि बच्चा पॉटी इजिली कर लेगा, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है, बच्चे की जो बैक बोन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें बच्चे को पेन रहने लगता है। ये आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है, इस टाइम तो बच्चा ठीक है बैठ जाएगा, मतलब इंजॉय करके बैठ जाएगा और सीख लेगा, बट आपको जब बच्चा आपका 1.5 से 2 साल का हो जाए तब आपको उसको पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना चाहिए। परफेक्ट सिटर भी आता है, उस पर आप बैठ के बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, या जो मतलब सिट जो हमारी सिट होती है उसके ऊपर ही एक रखने का स्टैंड आता है, उस पर हम बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको 6-7 मंथ में आपको पॉटी ट्रेनिंग जल्दी से नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। इवन जब आपका बच्चा 1.5 से 2 साल का हो जाए, जब उसकी बॉडी थोड़ी अच्छे से परफेक्ट हो जाए, तब आपको पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने अपने बेटे के साथ फॉलो की थी। जो मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जब आप सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा 1.5 से 2 साल का हो गया और हमें पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आपको सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि पोटी क्लीन करते हुए, कि बेटा आपने पोटी की है, आप उसको शुशु क्लीन करें तो आपको ये भी बताना है कि आपने टॉयलेट किया, जिससे कि बच्चे को पता चल जाए कि हाँ मैंने पोटी की है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको जो बताना चाहूंगी, आपको बच्चे का जो आप डायपर लगाते हैं, सबसे पहले आपको बच्चे को जो डे डायपर है जो आप दिन में लगा रहे हैं वो आपको स्टॉप करना होगा। इससे क्या होगा, बच्चा जब टॉयलेट करेगा शुशु करेगा तो उसको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ मैंने पोटी कर ली। होता क्या है, डायपर में बच्चा कर लेता है, टॉयलेट कर लेता है, पोटी कर लेता है, तो उसको पता ही नहीं चलता, उसको फील ही नहीं होता, क्योंकि वो सारा जॉब्स कर लेता है। तो आपको बच्चे का पहले डे डायपर स्टॉप करना होगा। उससे क्या होगा, आप बच्चे को ग्लूमर पहना सकते हैं, ग्लूमर एक सेफ साइड है, उसमें क्योंकि नीचे की साइड इलास्टिक लगी होती है तो कोई इश्यू भी नहीं होगा कि मतलब बच्चा गंदा हो जाएगा। तो आप बच्चे को ग्लूमर डे में स्टार्ट कर देने चाहिए जब बच्चा 1.5 से 2 साल का हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे की पोटी आएगी या तो वो आपको कोई इशारा देगा या बच्चा साइड में कहीं जाके खड़ा हो जाता है। कुछ बच्चे बिल्कुल स्टॉप होके खड़े, जैसे मेरा बेटा था वो बिल्कुल स्टॉप होके खड़ा हो जाता था और हमें पता चल जाता था कि पोटी कर रहा है, तो हम क्या करते थे, उसको ग्लूमर उतार के उसको एकदम सिट पर ले जाके बिठा देते थे। आप ये भी कर सकते हो, या बच्चा कोई तो इशारा देता ही है, कुछ बच्चे इशारा नहीं देते हैं, वो ऐसे ही कर देते हैं। तो धीरे धीरे आप बच्चे को बताओ कि आपकी पोटी आ रही है, वो आपको कुछ इशारा देगा जिससे कि आप बच्चे को एकदम सिट पर ले जाकर बिठा सकते हैं। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चों की वो सिटर आता है कहीं कहीं रख देते हैं, मतलब जहां बच्चे की पोटी आ रही है वहीं रख देते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं ला रखा था, मैंने क्या ला रखा था, जो हमारी सीट होती है उसी के ऊपर रखने का एक स्टैंड आता है, मैंने वो ला रखा था। उससे ये बेनिफिट होता है, आपको बच्चे को पहले तो आप उस सीट पे रखने वाले पे आप उसको सिखाओगे, उसके बाद जो हमारी सीट होती है फिर आपको उस सीट पे उसको ट्रेनिंग दोगे, तो बच्चा उस सीट पे एकदम ट्रेंड हो जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, इजिली उसमें स्टैंड होता है पकड़ने का, बच्चा उसको पकड़ के इजिली पोटी कर लेता है। तो आप बच्चे को सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों आपको पोटी करनी कहाँ पर है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमें वॉशरूम में जाना है, तो पहले आप बच्चों को ये चीज सिखाइए कि आपको पोटी करनी है तो आपको वॉशरूम में ही जाकर करनी है। सबसे पहला पॉइंट आपको यही बच्चे को क्लियर करना है, जिससे क्या होगा, बच्चा या तो जब उसकी पोटी आएगी तो वो वॉशरूम की साइड जाएगा, तो भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ बच्चे की पोटी आ रही है। तो आप बच्चे को ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको पहले आपको सिखाने होंगे। देखिए, आपको बच्चों को एक्सप्लेन करके दिखाना होगा कि घर में जो हमारे सभी लोग हैं, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो यहीं पर पोटी सिट पर ही पोटी करते हैं। आपको बच्चे को बातों में लगाकर, कुछ भी स्टोरी सुनाकर, कुछ भी उनसे बातें करके आपको उनको पोटी सिट पर बिठाना है, क्योंकि मोस्टली बच्चे होते क्या, वो पोटी सिट पर बैठना नहीं चाहते, उनको डायपर में पोटी करना कम्फर्ट लगता है। तो सबसे पहले आपको बच्चे को पोटी सिट पर कुछ भी उनका माइंड डेवलप करके पोटी सिट पर बिठाना सिखाना है। देखिए, अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है और वो पोटी ट्रेंड है
तो आप उसको भी दिखाकर सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है वो देखकर जल्दी चीजों को सीख जाता है, तो आप उनके थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर आपके घर में अकेला बच्चा है तो आपको थोड़ी शायद प्रॉब्लम आए, बट आपके घर में अगर बड़ा बच्चा कोई और है वो, और वो पॉटी ट्रेंड है, तो आपको उनको दिखाकर भी सिखा सकते हैं, जैसे कि डे केयर वाले करते हैं। डे केयर में क्या होता है वो ऐसे ही करते हैं, वहां पे जैसे एक दो बच्चा पॉटी ट्रेंड है तो वो उन और बच्चों को भी दिखाकर सिखा देते हैं। ऐसे ही हमें भी यही करना है, अगर हमारे घर में कोई बड़ा बच्चा है तो हम उनको दिखाकर ही सिखा सकते हैं, क्योंकि होता क्या है बच्चे देखकर जल्दी सीख जाते हैं, उनको लगता है अरे ये तो बैठ रहा है मैं क्यों नहीं बैठ के कर रहा हूँ, तो ऐसे बच्चा धीरे धीरे से एक दो बार देख देख के सीखने लगता है। और हाँ, अगर आपके घर में अकेला ही बच्चा, जैसे हमारे यहाँ था सिद्धम अकेला ही, मतलब फर्स्ट बेबी था, तो हम क्या करते थे उसका एक रूटीन सेट हमने कर लिया था। धीरे धीरे हम उठता था, जैसे वो मॉर्निंग में 7:30 8 o'clock उठ जाता था, फिर हम उसे 9 o'clock पानी वानी या थोड़ा दूध देने के बाद हम उसको 9 o'clock उसका एक टाइम सेट हो गया था कि हमें उसको बिठाना ही बिठाना है। हमने ऐसे ही करा कि उसको 10-15 days डेली बिठाया। हो सकता वो नहीं करता था, वो वैसे ही वापिस आ जाता था, वो फिर डायपर में ही करता था, बट हम उसको डेली बिठाते ही थे। और एक दिन हो सका उसने कर लिया तो हम बहुत खुश हुए कि चलो सिद्धम अब आपको तो आ गई है करनी, अब आपको वहीं पे करनी है, अब आपको डायपर में नहीं करनी है। ऐसे वो धीरे धीरे से ट्रेंड हो गया। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे ने एक बार कर लिया वो नेक्स्ट टाइम जाके खुद से कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 1 month तक यही रूटीन उसका फॉलो करना होगा, और आपको उसको 1 month तक कंटिन्यू बिठाना होगा, तभी बच्चा सीखेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट जब बच्चा ट्रेंड हो जाएगा तो वो खुद से बताएगा उसको, चाहे इवन इवनिंग में आए, नाइट में आए, मॉर्निंग में कभी भी आएगी, वो आपको बताएगा कि मम्मी मेरी पोटी आ रही है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी जरूर होगी, बट मैं कह रही हूं कि बच्चा ट्रेंड हो ही जाएगा। मैंने आपको हर एक चीज में यही बोला कि बच्चों कुछ भी चीज सिखाओ और बच्चा उसमें थोड़ा सा भी ट्रेंड हो जाए तो आप बच्चों को इंक्रीज जरूर करिए। होता है कि आप 10-15 days से बच्चों को डेली डेली बिठा रहे हैं और आप एक दिन बच्चे ने खुद से ही कह दिया कि मेरी पोटी आ रही है और वो कंफर्ट होके करके आ गया, तो आप बच्चे को इंक्रीज जरूर करिए। आप फैमिली मेंबर्स से बोले कि क्लैपिंग करिए, इससे बच्चे को होगा कि उसको अच्छा लगेगा और वो नेक्स्ट डे आपको खुद से बताएगा। देखिए, आपको इस प्रोसेस में जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, इरिटेट बिल्कुल नहीं होना है। हर चीज बच्चे को सिखाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही, बट बच्चा थोड़ी धीरे धीरे करके ट्रेंड हो जाता है। ये जो टाइम होता है बच्चों को कुछ सिखाने का थोड़ा टफ होता है, बच्चा धीरे धीरे से ट्रेंड हो जाता है। जब हमने सिद्धम को ट्रेनिंग दी थी इस प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम लगा था, बट अब वो ट्रेंड हो गया है तो अब हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।